माधव का, उनकी अलग जगानी है, उनका बहता हुआ खून है हमारे पास। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद का बिखरी हुई ज्वाला है जो आपको पुकार पुकार के कह रही है शक्तियाँ सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो। एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल स्पीकर मिस्टर पंकज कुमार, चेंज योर सेल्फ, बी द गेम चेंजर, बी अ माइलस्टोन। धर्मो रक्षत रक्षितः, अयम निजः परो वेति, गणनाम लघुचेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। आज बांग्लादेश में आधारित जो भी हिंदू धर्म के प्रति अमानवीय घटनाएं और हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर आधारित आज इस विशाल जनसमूह में समस्त हिंदू भाइयों का कार्यक्रम है और मंच पर उपस्थित मंचासीन एवं सामने सभी उपस्थित वरिष्ठ जन, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः, यानी समस्त सर्वश्रेष्ठ विचार हमारी तरफ आए। आप सभी जानते हैं कि अपने भारत के तरफ से जो हिंदुत्व के प्रति जो अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, उनके प्रति हमें यह ध्यान देना होगा कि यह भी कहा जा सकता है कि तमाम कुछ ऐसे वैसे संगठन हैं जिनका मैं पर्सनली नाम नहीं लेना चाहता, वो जो है हिंदुत्व धर्म के प्रति अपने नकारात्मक विचार को वो दर्शाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि भारत हमेशा से सनातन संस्कृति को लेकर के अपने धर्म के प्रति और समस्त धर्म को एक साथ लेकर के चलने की भावना को जागृत करता रहा है, उसके बावजूद भी जो ऐसे नकारात्मक हैं उन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम सभी को समस्त हिंदुत्व, तो यहाँ कोई पर्सनल किसी जात को नहीं बल्कि हमारे जितने अभी जातियों में बढ़ चुके हैं, बल्कि एक हिंदुत्व के रूप में हम अपने आप को जो है और सभी लोग राष्ट्र को एक साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। और विशेष तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आयोजन और प्रेरणा हम सभी को लेना होगा, समस्त हिंदुओं को, कि जो है डॉक्टर साहब का, उनकी अलग जगानी है, उनका बहता हुआ खून है हमारे पास। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद का बिखरी हुई ज्वाला है जो आपको पुकार पुकार के कह रही है शक्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो, हिंदुत्व की जो लड़ सके वो सर पैदा करो। जय हिंद, जय भारत। भारत माता के वंदे वंदे। आप सभी का पुनः पुनः हार्दिक आभार और इस मंच पर मुझे बोलने का आप सभी ने मौका दिया और यह मंच बुलबुला क्यों ना समुद्र में कुछ ही क्षण के लिए ऊपर आता हो, लेकिन वह सबसे ऊपर होता है। जय हिंद, जय भारत। नेशन फर्स्ट, चेंज विद इन, यू आर द वन। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तुम मंजिल को।